आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या है देखिए, सो दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट, और वी कैन मेजर वेरी वेरी स्मॉल करंट्स, वी कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो मेजर स्मॉल करंट, स्मॉल करंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रोएम्पियर टू मिलीएम्पियर, राइट। सो दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट एंड इट ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उससे भी वो भी गैल्वेनोमीटर से हमें पता चल जाता है। और इट इज यूज टू मेजर द मेजर द स्मॉल करंट्स लाइक माइक्रो एम्पियर्स में हो गया करंट, तो इससे हम मेजर कर सकते हैं, या समटाइम्स मिली एम्पियर्स में हो तो भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये डिवाइस किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? सो ये डिवाइस किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। सो द प्रिंसिपल क्या हो गया, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड It experiences the torque. अब इसमें होता क्या है? So basically we have a permanent magnet. So this is a permanent magnet and एक हमारे पास कोर होगी जिसके ऊपर हमने कॉयल, रेक्टेंगुलर कॉयल बनाई होगी, वायर को बहुत बड़ी वायर को लपेट के एक कॉयल बनाई होगी, और एक जो वायर का कॉयल का एक जो टर्मिनल होगा दिस इज कनेक्टेड विद द रिकॉयल स्प्रिंग। बहुत ही थिन स्प्रिंग होता है, दैट इज द रिकॉयल स्प्रिंग, एंड दैट थ्रू दैट रिकॉयल स्प्रिंग वायर कम्स टू द अनदर टर्मिनल। जो सेकेंड टर्मिनल होगा वायर का, दिस इज कनेक्टेड टू ए मेयरिंग सिस्टम। चाहे वो अगर हम बात करें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स की, तो हम यूज करते हैं मिरर्स यूज करते हैं, देन this is connected to a another terminal through a torsion head. So again, sabse important kya hai, this is the rectangular coil, it is placed in a permanent magnet, right? This is the permanent magnet. So isme kya hoga ki jaise hi coil mein current flow hoga, yahan hum करंट फ्लो होगा, तो दैट मींस इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। यहां पर जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और कॉइल रोटेट करेगी। जब कॉइल रोटेट करेगी दैट मींस उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, टू इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए हमारे पास एक रिकॉइल स्प्रिंग होगा, दैट हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सेटल हो जाती है, सो देयर विल बी ए टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारे पास एक कॉयल की वजह से रिकॉयल स्प्रिंग है, उसमें एक उसके ऑपोजिट सेंस में टॉर्क जनरेट हो जाएगी। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, द टॉर्क ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क ड्यू टू दिस रिकॉयलिंग स्प्रिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो जब हम करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो रिकॉयल जो स्प्रिंग है वो कॉयल को अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इट हैज अ परमानेंट मैग्नेट, इट हैज अ कोर, आयरन सॉफ्ट आयरन कोर, राइट, अराउंड विच एक वेरी थिन वायर से हम कॉयल बनाते हैं। सो वन पार्ट ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल थ्रू द स्प्रिंग, अनदर पार्ट ऑफ द coil is connected to a deflection system to the another terminal. So सबसे important क्या है इस चीज में, हम use करते हैं जो magnetic field है, we use the
रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता हमारे पास कि हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह सेम होगी और इसमें क्या है मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि लेट्स से ओरिजिनली कॉइल इस तरफ पड़ी है, कॉइल इस तरफ पड़ी है, अब इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ऊपर को, ये ब्लैक वाला ना, तो ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ रही है ये आ रही, सो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ गई ये, तो नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दिस, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल कितना आ गया, दिस इज 90 डिग्री। नाउ अब देखिए हमारे पास टॉर्क किसके बराबर थी, टॉर्क हमारे पास थी, टॉर्क इज एन आई ए बी साइन थीटा, राइट। तो वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो एन आई ए, सो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉयल, अगर कॉयल इस तरह है तो उसकी मैग्नेट करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर को होगी। सो जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। इस पोजीशन पर हमारे पास देखिए एंगल कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट और नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। सो इन दिस पोजीशन हमारे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेगा मान लो इसमें डिफ्लेक्शन हो गई, तो डिफ्लेक्शन होने से हमारे पास ये आ जाएगा, नॉर्मल ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगा, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड तो, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, यह हम कहेंगे कि नॉर्मल जो एरिया वेक्टर है द नॉर्मल की डायरेक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। अब यही एंगल हमारे पास 90 से ज़्यादा हो जाएगा, जब यही एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो थीटा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो थीटा चेंज हो गया दैट मीन्स जो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। नाउ तो इसका मतलब अलग अलग पोजीशंस जैसे जैसे कॉइल की पोजीशन चेंज हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो टॉर्क है दैट विल बी चेंज, जैसे टॉर्क चेंज होगी जो डिफ्लेक्शन है कॉइल की वो अलग हो जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क बन जाएगी। तो कभी कहीं कितनी टॉर्क लग रही है, कभी कितनी टॉर्क लग रही है, कभी कितनी टॉर्क लग रही है, तो उसकी वजह से जो कॉयल है उसके डिफ्लेक्शन में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। सो तो उसकी वजह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो टॉर्क की वैल्यू है दैट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे एंगल चेंज हो जाता जाएगा टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स जो मेजरमेंट्स है दैट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें स्केल उसके अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ेगा। लेकिन उसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स देखिए, तो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, जैसे ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है कोर का टॉप पॉइंट, ऊपर से देखेंगे कोर हमारे सर्कुलर देखेगी, तो यहां पर जो आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है परमानेंट मैग्नेट से, ठीक है, दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, यहाँ भी टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ जा रहा है। अब इनिशियल पोजीशन देखिए, इनिशियल पोजीशन कॉयल की किस तरफ है, इनिशियल पोजीशन अगर कॉयल यहाँ पर है ये आ गई, ये हमारे पास इनिशियल उसकी वजह से नॉर्मल ही आ गया, ठीक है, कॉइल का नॉर्मल ही आ गया, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल ही आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है,
अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों में हमारे पास कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई, तो साइन 90 इज 1 आ गया। अब जैसे इसमें करंट फ्लो किया, नेचुरली कॉयल घूमेगी। जब कॉयल घूमेगी, लेट से इस तरह घूमगी। जब कॉयल घूम गई तो हमारे पास जो कॉयल की पोजीशन है ये आ गई, ये कॉयल की पोजीशन आ गई। अब इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, देखिए इस तरफ है, नॉर्मल इस तरफ है ना। जब नॉर्मल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड यहां से आउटवर्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, नो नॉर्मल है इस डायरेक्शन में है। अगेन नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। जब इस पोजीशन में भी हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। सो जैसे जैसे कॉयल रोटेट होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियली है इनवर्ड है, और जो एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, उसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। तो इस सिचुएशन में हमेशा जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा और साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। लेकिन इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक, अगर कॉयल इस तरफ है तो मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। जब कॉयल घूम गई तो यही एंगल जो है 90 से चेंज हो गया, अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क आ रही है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आ गया, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉयल के ऊपर टॉर्क लग रही है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क लगेगी, कभी कितनी लगेगी कभी कितनी लगेगी, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास ज़्यादा जाएगी। अगर हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर हमेशा एंगल 90 डिग्री है, और एंगल 90 डिग्री बना रहेगा, और टॉर्क कितना आएगा, NIAB। सो दिस इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉयल ऑन द बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास फिक्स वैल्यू आएगी। अब इक्विलिब्रियम में क्या, देखिए अब जो रिकॉइल स्प्रिंग में, ये जो रिकॉइल स्प्रिंग है या हेयर स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगी, वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो फॉर द स्प्रिंग्स हमने प्लस वन में भी पढ़ा है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो हमारे पास आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितनी है, NIAP साइन थीटा इज 1, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 इज 1, सो दिस इज यूनिफॉर्म टॉर्क। अब रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, स्प्रिंग में जो जनरेट हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और दिस इज के इनटू थीटा। नाउ व्हाट इज के, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों बराबर कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, के थीटा शुड बी इक्वल टू NIAB। अब देखिए जो थीटा है डिफ्लेक्शन आएगी, That किसकी चीज को पर डिपेंड कर रही है, NIAB अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉयल कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, जो थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखें थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू सर्टेन कॉन्स्टेंट कॉल्ड G, That is galvanometer constant. In अब that means ये करंट की वैल्यू चेंज हो रही है GI, और हम कहेंगे जो थीटा है डिफ्लेक्शन इन द कॉयल है,
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी वैल्यू भी हमारे पास बढ़ती जाएगी. सो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर is directly proportional to the current in the coil. This is very important. Now G को हम गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट भी कह देते हैं. गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट. So this is very simple. So deflection is directly proportional to the current, right? Important जो चीज है, that is the sensitivity of the galvanometer. That means कितना current flow करना है, कितना हम कम से कम current flow करें, coil deflect हो जाए. So deflection per unit coil. ठीक है, अगर हम कहें कि एक galvanometer में एक ampere current flow करते हैं, जैसे deflection आ रही है, और एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें हम 0.01 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है. मतलब एक डिग्री एंगल, एक डिग्री कॉयल रोटेट करके यहां पर एक एम्पीयर करंट फ्लो करने से एक डिग्री डिफ्लेक्शन हुई, यहां पर 0.01 एम्पीयर करंट फ्लो करने से डिफ्लेक्शन एक डिग्री हुई. तो दैट मीन्स यहां पर हमारे पास कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव. So, उसमें जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल करंट. इसमें हम कहेंगे कि डिफ्लेक्शन तो उतनी है लेकिन हमारे पास करंट कितना फ्लो किया, बहुत ज्यादा करंट फ्लो किया. दैट मीन्स दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट सेंसिटिव टू स्मॉल करंट. सो दे कैन नॉट मेयर ये डिटेक्ट द स्मॉल करंट. सो दैट्स व्हाई वी यूज, उसी के लिए हम यूज करते हैं सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं या वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो हम बात करते हैं पहले करंट सेंसिटिविटी, राइट. सो फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वही बात होगी ना कि कितना करंट फ्लो करने से उसमें डिफ्लेक्शन इंड्यूस हो रही है. दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. आइए वापस इसी इक्वेशन पर देखिए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट किस चीज पर डिपेंड करता है. देखिए हमारे पास आई को उधर ले जाइए, सो हमारे पास क्या आएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या आ जाएगा. देखिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेट्स से करंट सेंसिटिविटी को हम IS लिख लेते हैं. सो दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सो I नीचे चला गया, रह क्या गया NBA है ना, NBA जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है ना, NBA. सो दिस इज K. अब देखिए जो डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी है या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर. अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो न्यूमेरिकली हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. मैथमेटिक्स में तो यही चीज देख रहे हैं ना हम, कि अगर हम करंट नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. पहली बात तो ये. अब दूसरी देखिए, अगर हम एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज करते हैं तो एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज करने से भी हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. लेकिन अब ध्यान से दूसरा इसका साइड इफेक्ट देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से हमारे पास कॉइल को है, कॉइल का जो हैवी है, कॉइल का मास इंक्रीज हो रहा है. सो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से भी हमारे पास कॉइल का जो मास है दैट इंक्रीजेस. नाउ एरिया इंक्रीज करने से भी वही चीज आ रही है, लेकिन दैट मींस दोनों चीजें इंक्रीज करने से, चाहे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर रहे हैं चाहे एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, इन दोनों से एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज
इनर्शिया फैक्टर. सो इनर्शिया फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. सो जैसे जैसे अगर दोनों चीजें बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होने का मतलब की है कि उसको अगर डिफ्लेक्ट करना है तो हमें ज्यादा टॉर्क जनरेट करनी पड़ेगी. जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमें एफर्ट करना पड़ेगा, उतना ही हमें ज्यादा दम लगाना पड़ेगा कॉइल को रोटेट करने के लिए. दैट मीन्स दोनों चीजों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स टॉर्क जनरेट एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा लगानी पड़ेगी. टॉर्क ज्यादा लगाने का मतलब करंट अगर ज्यादा फ्लो होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जनरेट होगी ना, राइट. सो ज्यादा करंट फ्लो करने से ही हमारे पास कॉयल हल्का से हिलेगी. डिफ्लेक्शन जो है, दोनों चीजें इंक्रीज करने से जो कॉयल की डिफ्लेक्शन है उसमें कमी आएगी, ठीक है. तो क्योंकि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमें उसको घुमाने के लिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. इस चीज को घुमाने के लिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, दैट मीन्स टॉर्क ज्यादा लगानी पड़ेगी. टॉर्क ज्यादा लगाने का मतलब हमें ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट कैन नॉट सेंस द स्मॉल करंट. दैट मीन्स छोटे छोटे करंट की वजह से तो डिफ्लेक्ट होगी नहीं. अगर छोटे छोटे करंट की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, दैट मीन्स उसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत कम है. सो प्रैक्टिकली ना तो हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ना हम एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. दोनों का साइड इफेक्ट क्या है? दोनों का साइड इफेक्ट क्या है कि दोनों चीजें इंक्रीज करने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है. सो ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर इज द एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. तो इसलिए ना तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही हम एरिया ऑफ कॉइल ज्यादा बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. अब देखिए इस चीज पर देखिए, दैट मींस के की वैल्यू, दैट मींस स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करें, तो स्प्रिंग फैक्टर अगर हम डिक्रीज करते हैं मैथमेटिकली करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर हम K की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, दैट मींस वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द स्प्रिंग क्वालिटी, ठीक है. सो दैट मींस K की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो स्प्रिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो दैट मींस वो हल्की सी टॉर्क को भी सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो कभी आप देखना कि लैब में अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर या एमीटर होंगे तो उसको कहते हैं लैब, आपके अटेंडेंट से होगा कि इसको आराम से यूज करो. अगर धीरे से भी दो पकड़ा दिया फेंका तो उससे क्या होगा, जो स्प्रिंग होगा, हेयर स्प्रिंग, बहुत पतला सा बाल की तरह तो स्प्रिंग होता है, तो बहुत पतला सा स्प्रिंग है ये, वो उसको हल्का सा भी झटका लग गया या गिर गया तो कॉयल जो है ब्रेक कर जाती है. सो दैट मीन्स ना तो हम इसको के की वैल्यू डिक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि के डिक्रीज करने का साइड इफेक्ट क्या है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द स्प्रिंग. उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी, उस स्प्रिंग हल्की से भी टॉर्क हैंडल नहीं कर पाएगा. दैट मींस तो गैल्वेनोमीटर के पास रिस्टोरिंग टॉर्क ही नहीं होगी तो वो करंट मेजरमेंट्स हम कर ही नहीं पाएंगे. सो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, है ना. अगर स्प्रिंग टूट गया, देखिए नीचे एक कॉयल है, वो अगर वो स्प्रिंग टूट ही गया ना, ये स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग बोला था, ये स्प्रिंग टूट गया तो हमारे पास करंट फ्लो करने के लिए पाथ बनेगा नहीं और हमारे पास डिफ्लेक्शन का आकार की आएगी, ठीक है ना. तो इसलिए ना तो हम के की वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग फैक्टर डिक्रीज करने से स्प्रिंग की क्वालिटी कम होती है, ना तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, ना एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं. तो सिंपल हमारे पास एक ही तरीका बचता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड रह गया. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना तो हमारे पास इनर्शिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ना स्प्रिंग की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है. सो जितना ज़्यादा हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ही करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. सो हमारे पास, सो हम कहेंगे कि स्ट्रांगर इज द मैग्नेटिक फील्ड,
greater is the sensitivity of the galvanometer, right? So this is the idea कि हम सिर्फ और सिर्फ सबसे important, सबसे आसान रास्ता क्या है कि magnetic field increase जितना लगाओगे, जितना strong magnetic field लगाओगे उतना ही current sensitivity ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास इसकी resistance क्या है, let's say coil की resistance भी तो होगी ना कुछ ना कुछ, अगर coil की resistance R है, कॉयल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, कॉयल की रेजिस्टेंस अगर आर है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वेनोमीटर, ठीक है, आर। सो लेट्स से गल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आ गई आर, द वोल्टेज क्या आएगी, आई इनटू आर, यूजिंग वी इज इक्वल टू आई आर, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आया, एन आई ए बी अपॉन के, सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा के अपॉन एन बी ए, राइट। सो वोल्टेज कितनी आ गई, तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास थीटा के आर, राइट, अपॉन एन बी ए। सो दिस इज द वोल्टेज विच कैन वी कैन मेजर विद द गल्वेनोमीटर। नाउ अगेन अब देखिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज देखें, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज is known as voltage sensitivity. So ये हमारे पास deflection पर voltage क्या आ गई, this is known as the voltage sensitivity. तो that means इसको हम VS लिख लेते हैं, तो voltage sensitivity क्या आएगा, ये ऊपर चला गया NBA upon K into R, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो NBA by K is the current sensitivity, तो voltage sensitivity और अगर current sensitivity पता है, then resistance of the coil भी अगर हमारे पास है, तो current sensitivity हमारे पास थी NBA upon K, है ना, right? So voltage sensitivity is equal to current sensitivity divided by So, ये भी हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन आ गया। सो वही इफेक्ट वैसे होगा, जो फैक्टर्स करंट सेंसिटिविटी को चेंज करते हैं, जिस फैक्टर्स की वजह से करंट सेंसिटिविटी चेंज हो रही है, उसी वजह से वही रीजंस हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी हो सकते हैं। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए वही हमारे पास क्या रह गया कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। और रेजिस्टेंस देखिए, हाँ रेजिस्टेंस हम कॉयल की कम कर सकते हैं ना, रेजिस्टेंस अगर कॉयल की कम करेंगे सो ग्रेट, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गई, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी कॉयल की उतनी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। सो ग्रेटर इज द lesser is the resistance of the coil, resistance of the coil greater is the voltage sensitivity, ठीक है। सो हमारे पास दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गल्वेनोमीटर भी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गल्वेनोमीटर, राइट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर। अब देखिए हमने क्या कहा है कि वी कैन मेजर द स्मॉल करंट्स एंड स्मॉल वोल्टेजेस। अगर ज्यादा करंट मेजर करना है या ज्यादा वोल्टेज मेजर करनी है तो हमें दूसरे डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं, और करंट मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पियर मीटर और सिंपली एमीटर। दोनों चीजों कहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं, एक गल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी गल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है,
that is the what we call a full scale deflection current. Full scale deflection करंट. अब देखिए नाम से इसको पता चल रहा है कि ये क्या होगा ना, नाम से ही पता लग रहा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा, राइट. तो ये वो करंट हो गया जो कॉइल को 100% जितना उसकी मैक्सिमम हमारे पास लिमिट है टर्न करने की, कॉइल को यहां से घुमा के यहां तक लेके आने की मैक्सिमम जो है, जो हमारे पास स्केल लगाएंगे गैल्वेनोमीटर वा करंट मेजर करने के लिए या करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास स्केल यूज करेंगे, उसमें 100% डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करेगा दैट करंट इज नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ठीक है, लेकिन हम इसको अगर दूसरे ढंग से बोलें तो ये कहेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, सो मैक्सिमम कितना हम गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर सकते हैं दैट इज नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं IFSD, या समटाइम्स सिर्फ IG से भी काम चला लेते हैं. ठीक है, तो IFSD मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG मीन्स अगेन सेम थिंग. अब देखिए यहां मैंने क्या बनाया, जो एरो है दैट हमने गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो हमने सेंटर पर बनाया है. ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा उसका जो मिडल वो नॉर्मली क्या होगी, जो निडल होगी वो सेंटर पर होगी, इस तरह जीरो इंडिकेट करेगी. अगर एक इस साइड जाएगा तो एक स्केल यहां पर भी है, लेट्स से दिस इज एक लिमिट आ गई, एक लिमिट आ गई. अगर ये निडल इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स करंट इन द वायर और इंस्ट्रूमेंट इज फ्लोइंग लाइक दिस टुवर्ड्स दिस साइड. अगर ये निडल इस साइड की जगह पर अगर उल्टी दिशा में रोटेट कर जाए, इस डायरेक्शन में रोटेट करे, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर तो ठीक है लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नाउ इस साइड से इस साइड जा रहा है. तो अगर करंट डिफ्लेक्शन इस तरफ है दैट मीन्स करंट की इस डायरेक्शन इस तरफ है, अगर नीडल उस उल्टी घूम गई है तो इसका मतलब क्या है, करंट इन द सर्किट इज टुवर्ड्स दिस साइड. ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया, तो करंट की जो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस, और ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है. डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ है तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, डिफ्लेक्शन अगर उस तरफ है तो लेफ्ट साइड को आ रही है तो करंट लेफ्ट साइड को फ्लो कर रहा है. सो दिस इज आवर मीनिंग, दैट्स व्हाई जो नॉर्मली गैल्वेनोमीटर्स होंगे उनमें जो निडल है दैट इज लाइज एट द सेंटर एट नो करंट. तो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, हमारे पास दो टर्मिनल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है, ठीक है, दैट इज सिंपल, एक सर्कल बनाओ उसके अंदर जी लिख दो, दैट मीन्स दिस इज द सिंबल फॉर द गैल्वेनोमीटर. अगर हम डीसी करंट मेजर कर रहे हैं तो उसमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर हम एसी करंट मेजर करेंगे उसी करंट के लिए कुछ डिवाइस दूसरा इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है. ये जो हमने पढ़ा है दैट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू मेजर द एसी करंट, उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा. लेकिन जो सिंबल होगा गैल्वेनोमीटर का, एसी गैल्वेनोमीटर का, उसके नीचे इस तरह एक साइन वेव बनी होती है. सो दिस मीन्स दिस गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर द डायरेक्ट करंट डीसी. डायरेक्ट करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज कर रहे हैं डायरेक्ट करंट को डिटेक्ट करने के लिए, अगर एसी करंट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा गैल्वेनोमीटर यूज होगा, उसके नीचे ऐसा एक सिंगल ऐसी साइन वेव बनी होगी. सो दिस इज यूज फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट.
currents, alternating currents. ठीक है, राइट. सो जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए जो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं या एमीटर यूज करते हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट. ठीक है, वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क. दे आर बेसिकली दे प्रिंसिपल डिपेंड्स क्या है, व्हेन ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. सो एसी जो मेजरमेंट्स होंगे उसके लिए हम डिवाइसेस जो यूज करते हैं दे वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, राइट, नॉट ऑन दिस टॉर्क प्रिंसिपल. सो जो हम एसी करंट्स के लिए मेजरमेंट्स, एसी करंट्स को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, दे आर नोन एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. जनरली हम डायरेक्ट करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज अ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क, राइट. सो दे आर एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट, एंटायरली डिफरेंट प्रिंसिपल, लेकिन सिंबल देखने के लिए बस यही है, एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट हो गया, ऐसा साइन वेव बनी है तो हमारे पास वो एसी गैल्वेनोमीटर है, राइट. अब देखिए, अगर हमने इस करंट से ज्यादा करंट मेजर करना है मीटर तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और वो मॉडिफिकेशन जब करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे एमीटर में, राइट. और नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर.